हेलो एवरीवन, अंजूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आटे के नमक पारे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम खस्ता बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे के नमक पारे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 500 ग्राम आटा। कप से नापे तो ये 3 कप आटा है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अजवाइन और चौथाई चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च की मात्रा आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मोयन के लिए ऑयल लेंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आधा कप ऑयल लिया है, पर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। ऑयल डालने के बाद हमें इसे अच्छे से इस तरह से पूरे आटे में मिक्स कर लेना है और कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होनी चाहिए कि जब हम इसको इस तरह से बांधे तो ये एक लड्डू की तरह बंध जाए आपस में, तो ये परफेक्ट मोयन होता है। इतने आटे में हमने आधा कप ऑयल लिया था, जिसमें से 1 चम्मच ऑयल करीब बच गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो रेडी करेंगे। थोड़ा गुनगुना पानी मैंने लिया है और इसका चपाती के आटे से थोड़ा सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा तैयार है, इस तरह का थोड़ा सख्त आटा लगाकर हमें तैयार करना है। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद नमक पारे बनाएंगे। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको एक बार और मैश कर लेंगे। अब हम इसके 4 पार्ट्स कर लेंगे। और इसको गोल शेप देकर बेलेंगे। इस तरह से हमें इसे बेलना है और इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पतली हमें नहीं रखनी है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। मैंने इसे ऐसे स्क्वायर पीस में कट किया है। आप चाहें तो इसको लंबाई में भी बना सकते हैं और जो थोड़े से साइड्स के अनइक्वल पीस होंगे हम उनको निकाल करके और जो आटा बचा हुआ है उसी के साथ मिक्स कर लेंगे और दोबारा यूज़ कर लेंगे। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सबको बेलकर और काट करके तैयार कर लेंगे। ये हमने आधे आटे के नमक पारे बेल करके और काट करके रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और मीडियम हॉट ऑयल में ही हम इनको फ्राई करेंगे। जितने हमने नमक पारे बेलकर और काटकर तैयार किए थे वो सारे हम एक बार में डाल देंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम बाकी के बेल करके और काट करके रेडी कर लेते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इनको पलटते रहेंगे। ये देखिए अच्छे से सिक चुकी हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के नमक पारे भी फ्राई कर लेंगे।
नमक पारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही खस्ता और टेस्टी बने हैं, बिल्कुल मार्केट में जैसे मैदा के मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही बने हैं, और ये आटे के हैं तो ये बच्चों को नुकसान भी नहीं करेंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।